नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है कौशिक थिंग्स चैनल के एक नए वीडियो में। आप सभी ने अपना मूल्यवान समय इस चैनल को दिया, हमारे वीडियो देख रहे हैं, हमारे व्यूज़ बढ़ा रहे हैं, आप लाइक दे रहे हैं, उसी से हमारा चैनल धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। आपका ये साथ हमारे लिए बहुत अमूल्य है, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का जो थंबनेल है उसको देख के आप सभी को पता चल ही गया होगा कि आज हम एक डिजिटल कैमरा का रिव्यू कर रहे हैं। तो इस कैमरे के रिव्यू सेक्शन में जाने से पहले काइंडली सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों, आप सभी को जय हिंद। मैं आसाम से हूँ इसलिए जोया ए कौम, और कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र से हमारे कुछ दर्शक हमारे साथ इकट्ठा हो रहे हैं, इसलिए जय शिवाजी महाराज, जय महाराष्ट्र। आप सभी का स्वागत है कौशिक थिंग्स चैनल में। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पहले बॉक्स और बॉक्स का कंटेंट, उसके बाद देखेंगे हमारे इस कैमरे का फिजिकल फॉर्म। तो बॉक्स कुछ इस तरह का है, आपका वाइट में सिंपल डिज़ाइन में आपको बॉक्स मिलता है। सामने ये कैमरे का बॉडी है, ऊपर कैनन का ब्रांडिंग, नीचे मॉडल नेम इक्सस 185 इस मॉडल का नंबर है। ऊपर सिर्फ कुछ जापानीज लैंग्वेज में लिखा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा। लेफ्ट साइड में वही कैनन का ब्रांडिंग और नीचे मॉडल नंबर, राइट साइड में भी सेम वही कैनन का ब्रांडिंग और नीचे मॉडल नंबर, और ये आपका बैक साइड से कैसा दिखता है आपका कैमरा, वही बस सिंपल सा यही बॉक्स है। बॉक्स के बॉक्स खोलने के बाद आपको अंदर मिलता है ये वाइट कलर में आपका एक बड़ा सा डाटा केबल कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने के लिए। आपको मिलता है ये चार्जिंग सॉकेट और ये चार्जिंग केबल कनेक्ट करने के लिए। आपको मिलता है 800 mAh का लिथियम आयन का ये छोटा सा बैटरी, 16 GB का एक मेमोरी कार्ड, और ये रहा आपका छोटा सा ये डिजिटल कैमरा। दोस्तों, जो आप सभी को पता ही है कि स्टिल फोटोग्राफी करने के लिए मैं अपना 1300D कैनन EOS यूज़ करता हूँ, और जिस कैमरा से अभी मैं वीडियोग्राफी करता हूँ उससे वीडियोग्राफी करता हूँ, लेकिन इमरजेंसी पर्पस के लिए मैं ये इस डिजिटल कैमरे का यूज़ करता हूँ। कुछ दिनों पहले हमारे आसाम के कार्बी आंगलोंग और डिमासा जिले के बीच में एक सुंदर सा टूरिस्ट स्पॉट है। उस जगह को एक साइड कार्बी आंगलोंग साइड में बोला जाता है कुका, और डिमासा साइड में बोला जाता है पानीमूर। वहाँ पे कुछ दिनों पहले मैं गया था, इसी कैमरे से मैंने कुछ पिक्चर लिए थे, वो उन सब पिक्चर को मैं वीडियो के साथ ऐड कर दूंगा, तो आपको पता चल जाएगा कि पिक्चर क्वालिटी कैसा था। इस कैमरे के साथ वीडियो रिकॉर्डिंग भी मैंने किया था उस पिकनिक में, लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग होता है, आपको काम चलाओ काम चल जाएगा, और पिक्चर क्वालिटी लेकिन अच्छा ही देता है। ये बैटरी बैकअप आपका 800 mAh आधा दिन जैसा चल जाता है रेगुलर फोटोग्राफी करने के बाद, मैंने देखा है। वो पूरा दिन हम वही पिकनिक स्पॉट पे थे तब भी मेरा चल गया था। तो अभी ये जो आपका इस डिजिटल कैमरे का लेंस है, ये है आपका 20 MP का लेंस। आपको इसमें मिलता है 8x का डिजिटल जूम, और बैक साइड में जो आपका ये LCD स्क्रीन है, ये आपको आपका है 2.7 inch का LCD डिस्प्ले। ये हो गया स्पेसिफिकेशन इस छोटे से डिजिटल कैमरे का। नॉर्मली रेगुलर यूज़ मैं नहीं करता हूँ, स्पेशली जहाँ पे इमरजेंसी पर्पस के लिए यूज़ करना पड़ रहा है, जहाँ पे DSLR बड़ा सा बॉडी लेके जाना मुश्किल पड़ता है, वहाँ पे मैं इसका यूज़ करता हूँ। तो यही रहा आपका कैनन का इक्सस 185। अगर आप इसके ऊपर आप सभी के पास कोई भी प्रश्न है, कोई भी क्वेश्चन है, काइंडली कमेंट सेक्शन में अपना प्रश्न मुझे बताइए, मुझसे जितनी जल्दी हो सकता है मैं आप सभी के प्रश्नों का उत्तर दूंगा। जिनके दर्शकों ने चैनल सब्सक्राइब करके रखा है बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब किया नहीं है तो जल्द से जल्द कर लीजिए,
आने वाले वीडियोस में फिर से कोई गैजेट या कोई टेक्नोलॉजिकल डिवाइस लेके फिर से आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। तब तक देखते रहिए कौशिक थिंग्स, और धन्यवाद, नमस्कार।